हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पेप्टाइड और पेप्टाइड बंद। पेप्टाइड किसे कहते हैं और पेप्टाइड बंद किसे कहते हैं? देखिए, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र होता है NH2CH CH से कोई समूह जुड़ा हुआ होता है R और साथ में होता है COOH। अर्थात एमिनो अम्ल में एमीन और अम्ल क्रियात्मक समूह साथ में होते हैं, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन और अम्ल क्रियात्मक समूह साथ में होता है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। यहाँ पर ये जो R है, इस R के स्थान पर कोई समूह जुड़ा हुआ होता है, जैसे अगर इस R के स्थान पर H जोड़ दे तो इसे कहा जाता है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, ठीक है। अब अगर हम एमिनो अम्ल, दो एमिनो अम्ल ले, जैसे NH2CH इससे R जुड़ा है और COOH, इस COOH अम्ल क्रियात्मक समूह को हम इस प्रकार लिख सकते हैं COOH, ठीक है। तो ये एमिनो अम्ल का एक अणु है। इसी प्रकार हम एमिनो अम्ल का अगर दूसरा अणु ले, NH2CH इससे R जुड़ा है और इधर COOH। अगर ये एमिनो अम्ल, हमने दो एमिनो अम्ल लिए, इस NH2 इस CH के साथ में R जुड़ा, दो एमिनो अम्ल लिए, अगर इन दो एमिनो अम्ल के बीच संघनन क्रिया हो, संघनन हो दो एमिनो अम्ल का, तो इस एमिनो अम्ल में से पहले एमिनो अम्ल के अम्ल क्रियात्मक समूह से, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह से हाइड्रोक्सिल OH और एक दूसरे एमिनो अम्ल के एमीन समूह में से यह हाइड्रोजन मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं और जल का एक अणु बाहर हो जाता है, ठीक है। इस जल के एक अणु के बाहर निकलने से एक नए बंध का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से, ये N से दो H जुड़े, NH2, CH इस CH से R जुड़ा है और इस तरफ है C डबल बॉन्ड O, ये OH हट चुका, इससे डायरेक्टली N जुड़ जाता है। N से जुड़ा है H, इस तरफ CH CH से जुड़ा है R और COOH। देखिए यहां पर एक नए बंध का निर्माण हो गया, COOH, मतलब दो एमिनो अम्ल के बीच में संघनन हुआ और जल के अणु के बनने से COOH एमाइड बंध, एक एमाइड बंध का निर्माण हुआ और एमाइड बंध के द्वारा दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ गए। ये जो नया एमाइड बंध बना, इस एमाइड बंध को कहा जाता है पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड बंध के द्वारा जो यौगिक बना उसे कहा जाता है पेप्टाइड, ठीक है। तो पेप्टाइड या पेप्टाइड बंध क्या है? जब दो या दो से अधिक समान या असमान एमिनो अम्ल के बीच संघनन क्रिया होती है तो जल के एक अणु के निकलने से एमाइड COOH बंध का निर्माण होता है और दोनों अणु एमाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। इस एमाइड बंध COOH को पेप्टाइड बंध कहते हैं और पेप्टाइड बंध के द्वारा बने यौगिक को पेप्टाइड कहा जा सकता है। तो यहां पर ये एमिनो अम्ल जो ले रहे हैं ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं और समान भी होते हैं, जिससे एक नए बंध COOH एमाइड बंध का निर्माण होता है और इस बंध को कहा जाता है पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड बंध से बने यौगिक को कहा जाता है पेप्टाइड, ठीक है। अगर पेप्टाइड में एक सिरे पर एमिन क्रियात्मक समूह और दूसरे सिरे पर अम्ल क्रियात्मक समूह हो तो बाई ओर के सिरे को कहा जाता है N टर्मिनल और दाएं सिरे को कहा जाता है C टर्मिनल। अगर जो बायां सिरा होता है, मतलब N टर्मिनल को बाई ओर लिखा जाता है और C टर्मिनल को दाई ओर लिखा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।